स्टॉक जिसमें SIP करना चाहिए। दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि हर महीने कुछ अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ऐसे ही अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना हो तो ऐसी कंपनीज है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आप SIP कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और ये अच्छी और जानी मानी कंपनीज है। हमने इस वीडियो में कवर किया है सिर्फ कंपनी के नाम्स, कुछ की पैरामीटर्स और इसके प्राइस के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों अगर कंपनी के बारे में डिटेल में जानना हो तो हमने अलग से वीडियो बनाया है हर कंपनी पे। दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। हम इसमें अच्छे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आइडियाज़ लाते रहेंगे। दोस्तों आइए अब बात करते हैं हमने ये कंपनीज क्यों लिया है। दोस्तों ये इनके कंपनीज जो है ये सभी ब्रांड वैल्यू है, और इनका जो ब्रांड है वो काफ़ी वैल्यू रखता है, और इसका जो मैनेजमेंट है उसका काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। दोस्तों इनका जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंस है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है वो भी काफ़ी अच्छा है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया पास्ट परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, और उसमें से कई कंपनीज ऐसी भी है जिसमें आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे इमर्जिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी है। और ये सब कंपनीज कोई छोटी मोटी या पेनी स्टॉक कंपनी नहीं है जिसमें आपको पैसा घुमा सकते हो। अगर इसका इम्पैक्ट देखना हो, आपका अगर कैपिटल लॉस होता है उसका इम्पैक्ट कैसे होता है आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो आप हमारे वीडियो स्लो एंड स्टडी विंस जरिए में देख सकते हो, जिसमें हमने दिखाया है कि आपके नेगेटिव रिटर्न का आपके इन्वेस्टमेंट पे कैसे इम्पैक्ट करता है। दोस्तों ये एक ओवरऑल पॉजिटिव रिटर्न देने वाली कंपनीज है, तो आइए अब बात करते हैं वन बाय वन कंपनीज के बारे में। दोस्तों जो पहला कंपनी है वो है HDFC बैंक। जैसे कि आपको पता ही होगा HDFC बैंक काफ़ी सालों से कंसिस्टेंसली ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 20 years काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। दोस्तों इसका मार्केट कैप है वो 6,23,627 करोड़ रुपीज़ हो गया है, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 2,282 रुपीज़। इसका जो PE है वो 29 है, और इसका EPS है 78.6, एंड इसका जो ROE है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय वो है 16.9%। दोस्तों यहाँ पे अगर हम HDFC प्राइस चार्ट की बात करें तो 2002 में काफ़ी लो था। अगर आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर से कंसिस्टेंटली बढ़ता ही गया है और अप ट्रेंड में ही रहा है। तो दोस्तों ये एक अच्छी बैंक है और इसका परफॉर्मेंस लाजवाब है, और आने वाले दिनों में भी ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता ही रहेगा ऐसे अभी के हालत से लग रहा है। दोस्तों दूसरा जो स्टॉक है वो है बर्जर पेंट है। इसका जो मार्केट कैप है वो 34,897 करोड़ रुपीज़ है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 359 रुपीज़। इसका जो PE है वो 84 है, और इसका EPS है 4.23, एंड इसका जो ROE है वो 31% है। दोस्तों ये एक पेंट इंडस्ट्री की कंपनी है, वैसे तो एशियन पेंट भी एक अच्छी कंपनी है ये सेक्टर में, लेकिन एशियन पेंट काफ़ी सारा ग्रोथ कर चुका है, और अगर बर्जर पेंट की बात करें तो ये भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ तो कर ही रहा है, लेकिन इसका बढ़ने का स्कोप भी अच्छा खासा ही है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे 2002 से लेके 2018-19 तक ये कंसिस्टेंटली अप ट्रेंड में ही ग्रोथ करता रहा है। तो दोस्तों पेंट इंडस्ट्री में एक दो स्टॉक ऐसे हैं जिसमें आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और पेंट इंडस्ट्री ईयर ऑन ईयर बढ़ती ही रही है, तो दोस्तों ये भी एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें तो ये थोड़ा नया है, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी, लेकिन आपको पता ही होगा ये HDFC ग्रुप की कंपनी है, तो इसका जो ग्रुप है प्रमोटर वो काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका लिस्टिंग सिर्फ अभी किया है। तो दोस्तों इसका जो मार्केट कैप है वो 47,377 करोड़ रुपीज़ है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 2,228 रुपीज़, और इसका जो PE है वो है 50.82, एंड इसका जो EPS है वो 43.85 है, और इसका जो ROE है वो 51 है। दोस्तों यहाँ पे इनिशियल लिस्टिंग के बाद थोड़ा डाउन ट्रेंड आया था ड्यू टू मार्केट करेक्शन, और उसके बाद आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते करते अभी अप ट्रेंड में ही जा रहा है, और
अभी 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है और आने वाले दिनों में मोर देन 1 लाख करोड़ होने का चांसेस तो है ही, तो ये भी एक ग्रोथ पोटेंशियल रखता है और अच्छी कंपनी है। दोस्तों जो नेक्स्ट कंपनी है वो है एलएनटी इन्फोटेक, ये भी आपने नाम सुना ही होगा। इसका जो मार्केट कैप है वो 28,381 करोड़ है, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1,635 रुपीज़ है, इसका जो पी है वो 19 है, ईपीएस 85 है और जो रोस है वो 46.58 है। दोस्तों ये कंपनी का भी अगर प्राइस देखो तो 2016 से लेके 2018 तक कंसिस्टेंटली बढ़ाई है ईयर ऑन ईयर, और अभी थोड़ा फ्लक्चुएट होके मार्केट करेक्शन और मार्केट कंडीशन की वजह से अभी थोड़ा प्लस माइनस होके एक प्राइस रेंज में घूम रहा है, और माइंडट्री को टेक ओवर करने हॉस्टाइल टेक ओवर करने से ये न्यूज़ में भी है, और आगे जाके ये भी एक बड़ी कंपनी बड़ा आईटी कंपनी बन सकता है, तो ये भी एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। और एलएनटी का जो ब्रांड वैल्यू है, ग्रुप का वैल्यू है, वो भी काफ़ी अच्छा है, तो इसमें भी हम एसआईपी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, इसका जो मार्केट कैप है वो 52,434 करोड़ रुपीज़ है, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1,153 रुपीज़ है, पी ए 49.93, ई पी एस है 23 और इसका जो रोस है वो 329 है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम प्राइस देखें तो ये भी 2017 में लिस्ट हुआ है और ये भी ईयर ऑन ईयर अप ट्रेंड में ही जा रहा है। दोस्तों आने वाले दिनों में इंश्योरेंस सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहेगा और उसके वजह से ये कंपनी भी ग्रोथ करने के फुल चांस है। और जैसे आपको पता ही है आईसीआईसीआई ग्रुप का में कंपनी का शेयर है और आईसीआईसीआई की भी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू है मार्केट में। दोस्तों नेक्स्ट जो शेयर है उसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी, ये एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के कारोबार में ट्रांसपोर्टेशन करती है, इनके पास टर्मिनल्स है। इसका जो मार्केट कैप है वो 35,790 करोड़ रुपीज़ है, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 238 रुपीज़ है, इसका जो पी है वो 16.62 है और इसका ईपीएस 14.36 है, इसका जो रोस है वो 29.96 है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2005 में ये 15 रुपीज़ के आसपास था, वो बढ़ते कंटिन्यूस नियर ट्रेंड में मोर देन 200 रुपीज़ हुआ है, और ये भी ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। हमारे भी पोर्टफोलियो में ये आईपीओ से टाइम से है, 15 रुपीज़ में नहीं आता, अभी डिविडेंड यील्ड के हिसाब से तो ऑलमोस्ट 35-40% तो डिविडेंड ही मिल रहा है। तो दोस्तों ये एक अच्छा शेयर है, बीच में बोनस भी दिया है एक बार, और ये अच्छी गैस ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टेक है। तो दोस्तों ये कंपनी जो हमने बताई है वो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी से बड़ी ब्रांड वैल्यू है, और आप इसमें से कुछ चुनिंदा शेयरों में अपने हिसाब से एसआईपी कर सकते हो या रेगुलर टाइम पे निवेश भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।